Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 21 तारीख से 30 तारीख तक के बीच जनता के बीच में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलानी है. तो पुलिस भी इसी समाज का, इसी राज्य का एक अंग है और महत्वपूर्ण अंग है जो जनता से सीधे संपर्क में रहता है. तो आज हमने CO साउथ पूरे सर्किल के अंदर और श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार पूरे जिले के अंतर्गत एक विशेष अभियान चलाया है जो 21 तारीख से 30 तारीख के मध्य चलेगा और कोरोना को लेकर लोगों को जन जागरूकता के बारे में और लोगों को और अवेयर करना है. पैम्पलेट बांटकर, रूट मार्च करके, लोगों से मिलके, आते जाते हर व्यक्ति को समझा के ये प्रयास करना है हमें कि हम कोरोना से कैसे सतर्क रह सकते हैं. कोरोना अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम लॉकडाउन जैसी स्थिति में तो नहीं आ सकते, लेकिन खुद का बचाव कर सकते हैं. बहुत ही सामान्य चीज़ें, गर्म पानी पीना है, मास्क पहनना है, लोगों से हाथ नहीं मिलाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, आते जाते लोगों से दूरी बनाकर बात करनी है, बाहर से आए व्यक्ति को होम क्वारंटाइन करने के लिए योगदान देना है. बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, सामान्य सी चीज़ें हैं, इनका अनुपालन करके हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं. ना केवल स्वयं का बल्कि राज्य का भी उद्धार इसी से हो सकता है कि हम कोरोना से अपने देश को कैसे बचाएं, अपने स्टेट को कैसे बचाएं, अपने परिवार को कैसे बचाएं. जागरूकता के साथ कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल, जागरूकता के साथ कार्रवाई करना एक आवश्यक अंग है. कार्रवाई करने का उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुँचाना नहीं है, समाज के लार्जर इंटरेस्ट के लिए है कि समाज में सभी का हित इसी में है कि कुछ कार्रवाई होने से लोगों के अंतर्गत जो उच्छृंखल तत्व हैं, जो न तो मास्क लगाने को मानेंगे न सोशल डिस्टेंसिंग को मानेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी. लेकिन प्रमुख उद्देश्य, चूँकि हम ही लोग हैं, हम लोग समझदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देश के प्रति अच्छी भावना रखने वाले राष्ट्रभक्त लोग हैं, तो हम लोगों में जागरूकता फैलाकर इन सब चीज़ों को करें, न कि किसी को पनिशमेंट के द्वारा. अरे चलो इधर. गुड नाइट भैया. है ना, हम